हेलो व्हाट्सअप स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी स्ट्रीट चैनल में एक बार फिर से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेट्रिडोफाइटिस के बारे में। इससे पहले जिन लोगों को नहीं पता, ये क्लास 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी के थर्ड लेसन प्लांट किंगडम का थर्ड टॉपिक है पेट्रिडोफाइटिस। इसके पहले हम लोगों ने बात कर लिया था ब्रायोफाइटिस के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अदरवाइज आप खुद से भी एनसीईआरटी रिविजन कीजिए, वो सबसे बेहतर होता है। खुद से पढ़ा हुआ सेल्फ स्टडी सबसे बेहतर होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पेट्रिडोफाइटिस के बारे में। इससे पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आपका चॉइस। तो वाह, क्या स्लोगन है, अदरवाइज आपका चॉइस। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पेट्रिडोफाइटिस के बारे में। द पेट्रिडोफाइटिस इंक्लूड हॉस्टेल्स एंड कॉन्स। देखिए, पेट्रिडोफाइटिस जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं हॉस्टेल्स और फंस को। पेट्रिडोफाइटिस आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। पेट्रिडोफाइटिस जो होते हैं वो उपयोग में लाए जाते हैं मेडिसिनल पर्पस के लिए। एंड एज सॉइल बेंडर्स, और सॉइल यानी मिट्टी के मिश्रण के लिए ये उपयोग में लाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। ये जो होते हैं ये ग्रो होते हैं फ्रिक्वेंटली ऑर्नामेंटल्स के भी तौर पे। इवोल्यूशनरली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वास्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। ये जो होते हैं इवोल्यूशनरली ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जो कि पोजेस करते हैं, यानी कि जिनके पास होते हैं वास्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यू इन चैप्टर 6। आप लोग इसके बारे में जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में चैप्टर 6 में। तब तक हम लोग शॉर्ट में ही पढ़ते हैं। द पेट्रिडोफाइटिस आर फाउंड इन कूल डैम सैडी प्लेसेस थ्रू सम में फ्लोरिस वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। पेट्रिडोफाइटिस जो होते हैं वो पाए जाते हैं कूल डैम सैडी प्लेसेस में, जिसमें कुछ जो होते हैं वो फ्लोरिस करते हैं वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन में। कुछ जो होते हैं उसमें से वो फ्लोरिस यानी कि फलना फूलना यानी कि फैल जाते हैं सैंडी सॉइल में भी। यू मे रिकॉल दैट इन ब्रायोफाइटिस द डोमिनेंट फेस इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। देखो, तुम जानते हो कि ब्रायोफाइटिस में डोमिनेंट फेस जो होते हैं उनके लाइफ साइकिल में वो होते हैं गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, जबकि पेट्रिडोफाइटिस में मेन प्लांट बॉडी जो होते हैं वो होते हैं स्पोरोफाइट, जो कि डिफ्रेंशिएटेड यानी कि जो कि विभाजित होते हैं ट्रू रूट सिस्टम और लीव्स में। दिस ऑर्गेन्स पोजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वास्कुलर टिश्यू। ये ऑर्गेन्स जो होते हैं ये पोजेस करते हैं यानी कि इनके पास होते हैं वेल डिफ्रेंशिएटेड वास्कुलर टिश्यू। द लीव्स इन पेट्रिडोफाइटा आर स्मॉल माइक्रोफाइलस एस इन स्लाजिनेला और लार्ज माइक्रोफाइलस एस इन पॉन्स। देखिए, लीव्स जो होते हैं पेट्रिडोफाइटा में वो स्मॉल होते हैं, माइक्रोफाइलस एस इन स्लाजिनेला। स्लाजिनेला में लीव्स जो होते हैं पेट्रिडोफाइटा का वो स्मॉल होते हैं, और बड़े माइक्रोफाइलस जो होते हैं वो पॉन्स में मौजूद होते हैं। बड़े लीव्स जो होते हैं माइक्रोफाइलस जिसको कहते हैं वो पॉन्स में मौजूद होते हैं। स्पोरोफाइटिस बियर्स स्पोरेंजिया दैट आर सब्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफाइलस। देखिए, स्पोरोफाइटस जो होते हैं वो स्पोरेंजिया को रखते हैं जो कि सब्टेंडेड यानी कि जो कि फैले हुए रहते हैं लीफ लाइक अपेंडेजेस के साथ, लीफ लाइक अपेंडेजेस के साथ, जिसको कि स्पोरोफाइलस कहते हैं। कुछ केसेस में स्पोरोफाइलस में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबेली और कोन्स। कुछ केसेस में स्पोरोफाइलस जो होते हैं वो बनाते हैं अलग सघन स्ट्रक्चर्स को यानी कि आकृति को, जिसको स्ट्रोबेली और कोन्स कहते हैं। स्लाजिनेला और इक्विस्टीम एग्जाम्पल में आ गए। दस स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। स्पोरेंजिया जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं मियोसिस के द्वारा स्पोर मदर सेल्स में। The spores germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular spores जो होते हैं वो germinate करते हैं देने के लिए inconspicuous मतलब कि अप्रत्यक्ष छोटा लेकिन multicellular यहाँ पे लिखा हुआ है multicellular free living mostly photosynthetic phyllite gametophytes को, जिसको कि prothallus कहते हैं। ये जो होते हैं देखिए यहाँ पे ये क्या लिखे हुए हैं, स्पोर्स जो होते हैं वो germinate करते हैं देने के लिए inconspicuous यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से छोटे लेकिन multicellular। यहाँ पे बीच में एक एक पेज इसका डायग्राम का दिया हुआ है जिसको कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग और मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलाइड गैमेटोफाइट्स को, जो कि कहलाते हैं प्रोथेलस। देखिए, ये गैमेटोफाइट्स जो होते हैं वो रिक्वायर करते हैं कूल डैम सैडी प्लेसेस को ग्रो करने के लिए, कूल डैम सैडी प्लेसेस ग्रो करने के लिए, क्योंकि इसमें जो होते हैं स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट रहते हैं। अब स्पेसिफिक का मतलब होता है यहाँ पे स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट रूप से, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है प्रतिबंधित, रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता, और एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, और इनको जो होता है जरूरत होता है वाटर का, पानी का फर्टिलाइजेशन के लिए। द स्प्रेड ऑफ लिविंग पेट्रिडोफाइटिस इज लिमिट स्प्रेड यानी कि फैलना जो होता है लिविंग पेट्रिडोफाइटिस का वो लिमिटेड होता है और रिस्ट्रिक्टेड भी है टू ए नैरो ज्योग्राफिकल रीजन, और ये प्रतिबंधित भी है कुछ छोटे ज्योग्राफिकल रीजन तक। गैमेटोफाइटिस बियर मेल्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन कॉल्ड एंथ्रीडिया। गैमेटोफाइटिस जो होते हैं वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन को रखते हैं जिसको कि कहते हैं एंथ्रीडिया और आर्कियोगोनिया respectively. What is required for transfer of enthrigoids? Water जो होते हैं वो जरूरत होते हैं ट्रांसफर करने के लिए enthrigoids को, male gametes को, जो कि released होते हैं enthridia से to the mouth of archegonium, और archegonium के मुंह तक, ठीक है, archegonium के मुंह तक
फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्कियोगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। फ्यूजन जो होते हैं मेल गैमेट का एग के साथ जो कि प्रेजेंट रहते हैं आर्कियोगोनियम में, वो रिजल्ट करते हैं फॉर्मेशन जायगोट की फॉर्मेशन में, वो रिजल्ट करते हैं, उनका परिणाम होता है जायगोट का फॉर्मेशन। जायगोट थereafter प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट व्हिच इज डोमिनेंट फेज ऑफ द पेट्रिटोफाइटिस। जायगोट जो होते हैं उसके बाद प्रोड्यूस करते हैं एक मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट को जो कि डोमिनेंट फेज जो कि होते हैं डोमिनेंट फेज पेट्रिटोफाइटिस का। इन मेजोरिटी ऑफ द पेट्रिटोफाइटिस ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड। मेजोरिटी अधिकतर जो होते हैं पेट्रिटोफाइटिस में उसमें सारे स्पोर्स जो होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं। ऐसे प्लांट जो होते हैं वो कहलाते हैं होमोस्पोरस जेनरा, जैसे कि स्लाजिनेला स्लाबिनिया जो कि प्रोड्यूस करते दो तरह के स्पोर्स को, मैक्रो लार्ज और माइक्रो स्मॉल स्पोर्स को, वो जाने जाते हैं हेटरोस्पोरस के नाम से। द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स। मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होने के बाद देते हैं फीमेल और मेल गैमेटोफाइट्स को। The female gametophyte in these plants are retained on the plant sporophytes for very well periods. Female gametophytes जो होते हैं इस पौधे में वो retained होते हैं parent sporophyte से कुछ variable periods के लिए। Development of zygotes into young embryos takes place within the female gametophytes. Development यानी कि विकास जो होते हैं zygotes का young embryos में वो female gametophytes में होते हैं। This event is precursor to seed habit. ये जो होते हैं ये अग्रामी होते हैं seed habit के लिए। Considered an important step in evolution, और इसको दर्ज किए जाते हैं मुख्य प्रमुख स्टेप इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन का प्रमुख स्टेप में इसको कंसिडर किए जाते हैं, यानी कि इसको दर्ज किए जाते हैं। The petrophytes are further classified into four classes. Petrophytes जो होते हैं वो क्लासिफाइड होते हैं चार क्लासेस में, पसिलोपसीडा यानी कि पसिलोटम, लाइकोपसीडा यानी कि स्लाजिनेला लाइकोपसीडियम, स्पेनोपसीडा यानी कि क्विस्टिम, और पेट्रोपसीडा यानी कि डायपेट्रिस पेट्रिस और एडियंटम। अब हम लोग इसका डायग्राम के बारे में बात करते हैं, तो ये देखिए इसका डायग्राम, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि ये देखिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये देखिए, ये है स्लाजिनेला, इनके देखिए स्टीम हो गए, ये हो गए लिप्स इनके, इनके ये रूट्स हो गए, ये हो गए स्ट्रोबाइलस और ये हो गए नोड, ये पाइप पाइप के साइज का होते हैं। ये क्विस्टीम का डायग्राम है, राइजोम हो गए, ये क्वेश्चन ये डायग्राम जो है वो एम्स में आए हुए हैं। और ये जो देखिए ये राइजोम है, ये ब्रांच है इक्विस्टीम के, ये राइजोम, ये इक्विस्टीम के ये ब्रांच हो गए, ये हो गए इनके इंटर नोड, ये हो गए इनके नोड और ये हो गए स्ट्रोबाइलस, ये हो गए स्ट्रोबाइलस। अब हम लोग बात करेंगे फंस के बारे में, तो फंस देखिए, फंस जो होते हैं वो जनरली आप लोग शादी विवाह के ऊपर गाड़ी पे जो लगे हुए रहते हैं पत्ती, यानी कि जो सजावट के तौर पे इसे यूज किए जाते हैं। और स्लाबिनिया जो होते हैं, ये देखिए स्लाबिनिया का ये डायग्राम है, तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको रिमेम्बर करिएगा। आज का लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त, आज के सेशन में हम लोगों ने खत्म कर लिया पेट्रिटोफाइटिस के बारे में, अब कल हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, रिविजन कीजिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, नीट में फोड़ना है, नीट फोड़ो, सबासी पाओ, मुहिम चलाइए, और तब तक पढ़ाई करते रहिए, गुड लक।